आप सबको स्वागत है कौन है मुजरिम के एक और एपिसोड पे। आज की कहानी है नागालैंड के एक छोटी सी नगर एक लड़की की कहानी। इस लड़की का नाम रेबिका। रेबिका को बहुत बुरी हालत में हॉस्पिटल में लाया गया। आखिर किसने किया उसके ये हालत, रेबिका को किसने मारा? आइए हम सब मिलकर देखते हैं आखिर क्या हुआ इस रेबिका के साथ। कैमरामैन पीछे से। मैडम क्या हो तुम मुझे अपने टैंक बचा बोले लाओ। आई एम मोर ब्रेक पारो ट्राई कर भी ना। आया हाँ मैडम ये तो आउट हो से हो कोरानो है तेल भाई बिराए माफ कर दी अरो आमी अपने ला भरा भी नलो बोले भी उपाय नहीं अपने टैंक बचा बोले लाओ। मुझे तो अरो उलप तो दूर जा बोले ऐसे तो अरो इधर तुम्हारे अंधेरा हो जाए आउट भी ना पाओ मुला बैटरी भी खत्म हो जाए फोन लगा मोर ब्रेक पारो साइड भी ना। उपाय नहीं अपनी अगर ये ऑटोपरा नाम तो घेरा दीछी तो इन दूर पलाओ दीछी दौड़ने मुझे मिसा मिसे। थैंक यू सो मच मुझे भविष्य अपनी अलग पापना था ये चिंता नुकर भी हो अमी अपनी लोग देखो बिया काम कर लेना है। थैंक यू हम लोग व्हाइट मैजिक का एक्सप्रेस करता है इसकी चाय बहुत बढ़िया है। खैर छोड़ दो क्या तुम लोग ने सोचा कि वो आदमी अपराधी था? नहीं आप लोग गलत है। कहानी में और भी बहुत कुछ है जानने के लिए देखते रहिए। अपनी मुई बहुत ऐसे मुझे भूल खाए से यदि सती कंतु ना दुनिया छोड़ी ना चाहिए कोई खाबो को लूँ ना इंतज़ाम का मन लगूँ कोई खाबी नशेनी पेर सोचा कि वो शराबी भी कुछ करने वाला था? नहीं आप लोग फिर से गलत हो। मुझे आप लोग के साथ मजाक करना बहुत खुश होता है। कहानी में और भी कुछ है आखिर में असली अपराधी कौन है जानने के लिए देखिए बिना ब्रेक के कौन है मुजरिम। मैडम चाको कि ना चाको कोटे सब चिकन काटी बोले लबी सुस्ता आसी लबी ना मैडम चाको कोटे लागिबो तो म आज कोटे जाबोली ताडा ताडी आसे खाली पोस मैडम मेटा भी सेल करनी लबी ना प्लीज पर डिस्काउंट दिबो। हा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 ह
मैंने फिर से तुम लोग का उल्लू बनाया। अंत में क्या रवि का घर पहुंचा कि नहीं, क्या कहानी में और ट्विस्ट है, चांद के लिए तुम लोग खुद देखो। ये तो सिर्फ एक छोटी सी शहर की कहानी है। सोचो इसी ही तरह घटनाएं और हमारे देश में कितनी होगी। कभी कभी हमारे खुद के घर से सड़कों ज्यादा सुरक्षित है। घरेलू हिंसा अक्सर होता है और इस लॉकडाउन की वजह से ये बढ़ रहा है। हम सब ने देखा रेबिका को उसकी पति ने कितनी बेरहमी से मारा। रेबिका की तरह और भी महिलाएं हैं जो अपने ही घर में कैद हैं। महिलाएं जो खुद अपनी आवाज नहीं उठा सकता और खुद वापस नहीं लड़ सकता। अगर आपके आसपास कहीं इसी तरह घटनाएं होते हैं तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दीजिए। इंसानियत के नाते आप किसी को बचा लें। मिलते हैं अगले एपिसोड पे। तब तक सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और देखते रहे कौन है मुजरिम।